हमारे चैनल में आप सभी का और एक बार स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे कि किस तरह समूह का कटअप मीटिंग को एंट्री करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लोकोस एप्लीकेशन को ढूंढेंगे और लोकोस एप्लीकेशन को टच करेंगे तो एक पेज खुलेगा जिसमें आपके द्वारा जनरेट पिन को एंट्री करेंगे। तो चलिए पिन नंबर एंट्री करते हैं। जैसे ही पिन नंबर को एंट्री करेंगे तो SSG होम पेज खुलेगा। हमें समूह का कटअप मीटिंग को एंट्री करेंगे तो उसके लिए माई मीटिंग को टच करेंगे। टच करते ही एक पेज खुलेगा। इस पेज में SSG का नाम दिखाई देगा। SSG का नाम तीन प्रकार के बॉक्स में दिखाई देंगे। पहला, जिस समूह का मीटिंग छूट गया है उसका नाम मिक्स्ड मीटिंग बॉक्स को टच कर देख सकते हैं। यदि किसी समूह का मीटिंग हुआ है तो करंट मीटिंग बॉक्स में दिखाई देगा और जिस समूह का मीटिंग अब होने वाला है उस समूह का नाम अपकमिंग मीटिंग बॉक्स में दिखाई देगा। फिलहाल हमने एक भी समूह का कटअप या रेगुलर मीटिंग नहीं किए हैं, इसलिए करंट मीटिंग बॉक्स में और अपकमिंग मीटिंग बॉक्स में समूह का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक समूह का कटअप मीटिंग को एंट्री करते हैं। हम चांद तारा आजीविका सखी मंडल का कटअप मीटिंग एंट्री करेंगे। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि समूह का ID यहाँ पर है और नीचे में समूह का नाम है और इसके नीचे गठन दिनांक है। यहाँ पर समूह से जुड़े सदस्यों की कुल संख्या है और बगल में 3 डॉट है तो 3 डॉट को टच करेंगे। टच करते ही एक पेज खुलेगा जिसमें 7 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला है जनरेट मीटिंग, जिसमें कटअप मीटिंग और रेगुलर मीटिंग को चढ़ा सकते हैं। अगला है एडिट मीटिंग, इस ऑप्शन से आपके द्वारा एंट्री किए गए मीटिंग को एडिट कर सकते हैं। अगला व्यू मीटिंग, इस ऑप्शन से आपके द्वारा फिल किए गए मीटिंग को देख सकते हैं। अगला ऑप्शन है व्यू क्यू स्टेटस, इससे समूह की क्यू की स्टेटस को देख सकते हैं। आगे है व्यू अप्रूवल स्टेटस, इस ऑप्शन से आपके द्वारा अपलोड SSG मीटिंग BPM के द्वारा अप्रूव हुआ है कि नहीं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे है डाउनलोड मीटिंग, इस ऑप्शन से समूह के पिछले मीटिंग को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में डाउनलोड अप्रूवल स्टेटस, इस ऑप्शन से अप्रूव के लिए भेजा गया समूह अप्रूव हुआ है कि नहीं उसकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह समूह के 3 डॉट की जानकारी को प्राप्त किए। अब हमें समूह का कटअप मीटिंग एंट्री करना है तो हमें जनरेट मीटिंग को टच करेंगे। टच करते ही एक पेज खुलेगा। इस पेज के ऊपर में जनरेट मीटिंग लिखा हुआ है और इसके नीचे समूह का नाम, ID, फॉर्मेशन डेट और साथ में समूह से जुड़े सदस्यों की संख्या भी दिखाई दे रहा है। इसके नीचे लास्ट मीटिंग नंबर और ठीक इसके नीचे लास्ट मीटिंग डेट है। तो अभी तक इस समूह का लोकोस एप्लीकेशन में एक भी मीटिंग एंट्री नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर कोई लास्ट मीटिंग नंबर और लास्ट मीटिंग डेट नहीं दिखाई दे रहा है। आपके द्वारा यहाँ नंबर फिल नहीं किया जा सकता है। आगे है न्यू मीटिंग नंबर, इसे विस्तार से समझते हैं। यदि समूह का बैठक संख्या 1 से 11 तक हुआ है तो समूह का प्रत्येक बैठक को एंट्री कर सकते हैं, पर जैसे ही 12 बैठक या उससे अधिक का हो तो कटअप मीटिंग एंट्री करेंगे। और यदि आप रेगुलर मीटिंग करना चाहते हैं तो रेगुलर मीटिंग भी कर सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि समूह का कटअप मीटिंग एंट्री 12 बैठक या उससे अधिक बैठक का ही होगा। यदि आप 11 बैठक या उससे कम बैठक का कटअप मीटिंग एंट्री करते हैं तो कटअप मीटिंग एंट्री करने के लिए लोकोस एप्लीकेशन अलाउ नहीं देगा। हमें न्यू मीटिंग नंबर में बैठक संख्या को टाइप करना है। इसके लिए आप सुनिश्चित कर ले कि किस डेट से किस डेट तक का कटअप मीटिंग एंट्री करना है और दोनों डेट के बीच कितनी बैठक संख्या है उसकी बैठक संख्या को यहाँ टाइप करेंगे। चांद तारा समूह का बैठक दिनांक 30 सितंबर 2018 है और अक्टूबर 2023 तक का बैठक संख्या 305 हो रहा है, तो न्यू मीटिंग नंबर में 305 नंबर टाइप करेंगे। इसके बाद मीटिंग डेट अर्थात समूह का 305 बैठक का डेट को चुनेंगे। तो 305 बैठक का मीटिंग डेट है 30 अक्टूबर 2023 है, तो चलिए डेट को चुनते हैं। आप लोग डेट चुनने अच्छी तरह से जानते हैं तो हम जल्दी से डेट चुन लेते हैं। डेट चुनने के बाद ओके करेंगे तो समूह का लास्ट मीटिंग डेट यहाँ दिखाई देगा।
अब हमें कटअप मीटिंग एंट्री करना है, इसलिए जनरेट एंड ओपन ऑप्शन बटन को टच करेंगे। टच करते ही एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें लिखा है, डू यू वांट टू जनरेट ए कटअप मीटिंग। यदि आप कटअप मीटिंग करना चाहते हैं तो यस को टच करेंगे, और आप नहीं करना चाहते हैं तो नो को टच करेंगे। हम कटअप मीटिंग करना चाहते हैं इसलिए यस को टच करेंगे। यस को टच करते ही एक पेज खुलेगा, इस पेज में कटअप मीटिंग को एंट्री करेंगे। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो देखने के लिए यहाँ टच करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, और बगल में आई घंटी को भी दबा दे। तब तक के लिए